दोस्तों यदि आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार गुजरात टाइटंस को साल 2022 के टाटा आईपीएल में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। जी हां, हार्दिक पांड्या की गुजरात आज हैदराबाद के खिलाफ जैसे ही हारी उस पर पांड्या का मजाक उड़ाते हुए मुंबई के कैप्टन रोहित शर्मा ने अपना बयान दिया, उसे सुनकर आपकी भी हंसी निकल जाएगी। आखिरकार रोहित ने ऐसा क्या कहा जिस पर हार्दिक पांड्या भी नाराज नजर आए, उसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि गुजरात की हार में सबसे बड़ी वजह क्या रही, हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी या फिर केन विलियमसन की कप्तानी पारी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों गुजरात की विजयी रथ पर लगाम लगाते हुए ऑरेंज आर्मी ने आज ये बता दिया कि उन्हें कम समझना आईपीएल की किसी भी टीम के लिए कितनी बड़ी भूल हो सकती है। जी हां, आज एक बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबले में हार्दिक की गुजरात को 8 विकेट से करारी शिकस्त को झेलने को मिला। जब आज के मुकाबले में गुजरात टाइटंस फेवरेट बनकर उतरी थी तब सबको यही लगा था कि पांड्या की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को आसानी से कुचल देगी, पर पिछले मुकाबले में लय हासिल कर चुके विलियमसन की सेना ने आज गुजरात टाइटंस को हर डिपार्टमेंट में चारों खाने चित करते हुए मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया। आज हैदराबाद के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन का भी तूफानी अंदाज देखने को मिला। जी हां, केन विलियमसन की कप्तानी पारी के बाद निकोलस ने हैदराबाद का काम पूरा कर दिया। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने आज कप्तानी प्रदर्शन जरूर दिखाया लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। और आज उन्होंने अर्धशतक तो जरूर लगाया लेकिन उनकी बल्लेबाजी काफी धीमी रही और गुजरात की हार में ये भी एक बड़ी वजह रही है। वहीं टाइटंस की पारी पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक का मजाक उड़ाते हुए कुछ बातें कही हैं। यहां दोस्तों रोहित शर्मा ने मुकाबले के बाद आज पहली बार गुजरात को हार का सामना करना पड़ा और किसी भी टीम को इस मोमेंट से गुजरना जरूरी होता है दोस्तों, ताकि उनको पता चले कि आखिर उनमें क्या गलतियां हैं। गुजरात अभी तक नई टीम है और उनके कप्तान हार्दिक भी अभी कप्तानी में काफी बच्चे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर पांड्या एक बेहतर कप्तान बन सकते हैं, लेकिन अभी उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज उनकी बल्लेबाजी देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कप्तानी का दबाव था और मेरे हिसाब से उनको अपने मेरिट पर चलना चाहिए। हार्दिक एक खतरनाक खिलाड़ी है और वो अकेले के दम पर मैच पलटने का दमखम रखते हैं, लेकिन आज के मुकाबले में उन्होंने धीमी बल्लेबाजी करके हैदराबाद के गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी होने दिया। वैसे मुझे यकीन है कि वो जल्द ही वापसी कर लेंगे। दोस्तों जिस तरीके से मुंबई के कैप्टन रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को लेकर अपनी बातें कही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि वो हार्दिक पांड्या को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और मुंबई इस साल के आईपीएल में वापसी करने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।